नमस्कार, मैं अशोक व्यास अब आपके साथ आ पहुंचा हूं एक ऐसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संपदा से संपन्न प्राचीन नगर में जिसका नाम है वाराणसी। वाराणसी के 80 घाट पर सुबह बनारस संस्था की तरफ से प्रातः आरती के आयोजन को जिस तरह से क्रियान्वित किया जाता है, हजारों लोग आते हैं और उनके भीतर का आनंद छल छल आता है। ऐसे मनोरम दृश्य और ऐसे पावन स्पंदनों के साथ जुड़कर सुबह बनारस संस्था और अन्य कई संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में विशेष रूप से वाराणसी के समीप सारनाथ नगर में रहने वाली एक ऐसी राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त अध्यापिका, कवयित्री और लेखिका हैं जिनके जीवन में विपरीत परिस्थितियां आईं पर उन्होंने चुनौतियों से हार नहीं मानी। मिल गई हर खुशी आपके नाम से। वाह वाह वाह। मिल गई हर खुशी आपके नाम से। हो गई रोशनी आपके नाम से। आपने जब से देखा मुझे भर नजर, आपने जब से देखा मुझे भर नजर, पा गई जिंदगी। उनके जीवन पर एक उपन्यास भी लिखा जा चुका है। मंजरी जी के साथ हुई मुलाकात का ये जो अंश प्रस्तुत है उसमें कई आयाम उनके व्यक्तित्व के आप तक पहुंचने वाले हैं। तो आइए मिलते हैं मंजरी पांडे से। नमस्कार के साथ में सरस्वती माता को प्रणाम करते हुए, मंजरी जी जिनके माध्यम से सरस्वती माता की कृपा कई रूपों में प्रकट हुई है और आपने संस्कृत भाषा के अध्यापन में जो कुशलता के साथ तन्मयता से सरस्वती माता की कृपा से छात्रों से जो संबंध बनाए तो राष्ट्रपति पुरस्कार भी आपको उसके लिए मिला। इसके अलावा लेखन की तरफ भी आपकी अभिरुचि रही और मैं देख रहा था आपके कक्ष में रखने के स्थान नहीं, इतने सारे पुरस्कार इतने सारे सम्मान आपको मिले हैं। तो अपनी इस यात्रा के बारे में, जिसे हम संस्कृत को समर्पित यात्रा कहें या संस्कृति और साहित्य को समर्पित यात्रा कहें, संक्षेप में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। हाँ जी, मैं डॉक्टर मंजरी पांडे बहुत बहुत आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ कि आपने मुझे सहयोग्य समझा और आपको आपने कुछ समय दिया मुझसे वार्ता करने के लिए, भी मेरा सौभाग्य है। और यहाँ बाबा की कृपा जिस पर हो जाती है, हम काशी से हैं, और माता रानी की कृपा हो जाए तो ज़रूर कुछ कृपा हो जाती है और शायद मुझ पर भी ऐसी ही कृपा रही है। अन्यथा जीवन का जो व्यतिक्रम सब रहा है वो बहुत ही उथल पुथल जीवन रहा है। दो नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर के उन्हें एकल अभिभावक के रूप में मैंने बड़ा किया है, तो बहुत कुछ अपने बारे में सोचने का अवसर नहीं मिला। लेकिन ये ज़रूर कह सकती हूँ कि मुझे ईश्वर की कृपा बहुत प्राप्त है और ईश्वर किसी न किसी रूप में मेरे ऊपर वो वरद हस्त रखे हुए हैं। शायद यही कारण है। आपको संस्कृत की बात आपने की, मैं बता दूं कि मैं जब बीए में पढ़ रही थी मेरा विवाह तभी हो गया था और उसके बाद परिवार जो है पूरा पंडित परिवार था। और मेरा विवाह बीए में जब होने के बाद में मेरा मन था कि मैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में एमए करूँगी, लेकिन मेरे पतिदेव को भी नहीं पसंद था क्योंकि उसमें टूट जाता इधर उधर। और मेरे जो अजय ससुर थे, अभी आप नीचे आए होंगे तो देखा होगा कि वो दंडी स्वामी थे, तो उनको सभी लोग स्वामी जी कहते थे। तो उन्होंने पता नहीं क्या सोच करके उन्होंने कहा कि नहीं, तुम जो है, मुझ पर बड़ी कृपा उनकी हुई आने के साथ ही मेरा, आपको मैं ये भी बता दूँ लगे हाथ कि मेरा अंतर जातीय विवाह है। मैं बाईकास्ट श्रीवास्तव थी
और उसके बाद में ये ब्राह्मण से मेरा विवाह हुआ। लेकिन इतना प्यार उस ब्राह्मण परिवार में पूरे रीति रिवाज के साथ मेरे सास ससुर सब ने बहुत किया। तो वो मेरे अजय ससुर थे, वो जानते थे, वो कहते थे अपने लड़के को कहते थे ये नालायक है, हाँ कहते थे। और बड़े अंतिम दिनों में ये मैं आप तो वाक्य की तरह उसे ग्रहण करती हूँ कि अपने जो है वो गोलोकवासी होने के 2 दिन पहले नवरात्र का समय था, मुझे बुलाया और बिल्कुल स्वस्थ थे। अब मुझे बोले कि तुम मुझे एक बार कमरा बंद किया और एक मैं उसे चमत्कार मानती हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे तुम एक बार बाबा कहो। मैं समझ नहीं पाई, मैंने कहा आप इनके बाबा हैं तो मेरे भी बाबा हैं, लेकिन कहने कि तुम्हें अपने मुँह से बाबा कहो। और जब मैं बाबा कही उस दिन वो खरा खरा आंसू, इतना रोए वो, और उसके बाद पोछ वोछ के आंसू मुझसे, जैसे उस दिन मेरा जीवन उन्होंने खोल के रख दिया। उन्होंने कहा देखो आने वाला दिन तुम्हारा ऐसा आ सकता है, जबकि मेरे उसमें बच्चे भी नहीं हुए थे, और तुम्हें बहुत परेशानी हो सकती है, तुमको कोई दिक्कत हो तो मेरे आश्रम चले आना, तो मैं जीवन भर तुमको रख सकता हूँ आश्रम में, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी कहा था कि मैं तुमसे ये भी कहूँगा कि तुम संस्कृत से हमें करना। और उसके दो दिन बाद वो नहीं रहे। बड़ा मेरा मन उथल पुथल व्यथित रहा। बाद में मैंने सोचा क्या करूँ, फिर मैंने सोचा अच्छा उनकी अंतिम इच्छा का तो ख्याल रख ही लूँ, और संस्कृत में अच्छी थी, ऐसा कुछ नहीं था, तो मैंने संस्कृत से हमें कर लिया। और इत्तेफाक देखिए कि वो संस्कृत से हमें करना मेरी रोजी रोटी बना, उसी से मेरी नौकरी मिली। तो संस्कृत ने जो है अब ये कह लीजिए उनका आशीर्वाद था, ईश्वर का आशीर्वाद था। उसके बाद तो खैर जीवन थोड़ी पटरी पे आ गई, बच्चे बड़े हुए, सारी चीज़ें हैं, तो संस्कृत के आधार पर ज़रूर उसी के आधार पर मुझे राष्ट्रपति सम्मान मिला। तो संस्कृत ने मुझे बहुत कुछ दिया जाने अनजाने, ये तो रहा है। तो उथल पुथल सबके जीवन में थोड़ी थोड़ी रहती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। संस्कृत भाषा की तरफ चलें तो जो उथल पुथल संस्कृत के प्रति रुझान को लेकर रही है, उसमें कहीं ये संकेत भी ऐसा लोगों के मन में धारणा रहती है कि ये बहुत क्लिष्ट भाषा है, ये तो प्राचीन भाषा है। इस संबंध में आप जब अपने विद्यार्थियों से जुड़ती रहीं तो कैसा आपका उनका रिस्पांस जो मिलता था? मैं आपको बता दूं, ये भी सौभाग्य ही रहा कि मेरे इस समय संस्कृत के अपने विद्यार्थी, कई विद्यार्थी मेरे IAS हैं और आज भी मुझे वैसा ही सम्मान देते हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, और देश विदेश से वो मुझे कॉल करके मैडम आप कैसी हैं, मैडम आपकी फिल्म देखा, मैडम आपकी पोएम देखा, कुछ कुछ वो बताते रहते हैं कई बार। तो बच्चे मुझसे कनेक्टेड इसलिए हुए कि शायद मैंने थोड़ा सा क्या किया कि मैं अपनी कक्षा में हर एक कक्षा को अलग अलग 6th 7th ऐसे जो भी पढ़ाती रहती थी, तो हर एक कक्षा में मैंने सभी बच्चों को उनकी ही क्लास के उनके जो टेक्स्ट बुक थी उससे मैंने कोई श्लोक कोई मंत्र वो सभी बच्चों को मैंने याद करा दिया। और जब मैं कक्षा में जाती थी तो वो बच्चे, जैसे बच्चों का ध्यान तो अटेंशन करना होता है, तो मैं बच्चों को, वो बच्चे खड़े हो जाएंगे और वो श्लोक या मंत्र बोलेंगे। मतलब कई बार इंस्पेक्शन हुआ तो उन लोगों ने कहा ये नया तरीका है, इससे बच्चे भी अटेंशन में हो जाते हैं और एटलीस्ट कम से कम जीवन भर उनको उतना श्लोक उनका उतना मंत्र तो याद रहेगा। एक संदर्भ बताऊँ कि मेरा एक विद्यार्थी पिछले दिनों वो झांसी में पोस्टेड था, इन दिनों भी IAS है, दिल्ली में है, और जब उसका विवाह हुआ पटना में, उसकी बहन का विवाह था, तो मुझे बुलाया भी था, मैं उन दिनों पटना पोस्टेड थी, तो मैडम आपको आना ज़रूर है। जब मैं गई तो वहाँ पंडित जी थे, पूजा वूजा करा रहे थे, तो पंडित जी से पहले ही परिचय करा रखा था, देखिए मेरी संस्कृत की मैडम आएंगी। तो जब मैं गई तो देखिए ये मेरी मैडम है, तो मैं समझ गई। जब पंडित जी ने कहा अरे आपको प्रणाम करता हूँ क्योंकि आपने अपने स्टूडेंट को कितना अच्छा संस्कृत सिखाया है, हम कहें अच्छा, तो कहे अरे इतना बढ़िया श्लोक बोलता है, तो मुझे इतना गर्व भी फील हुआ। वो 10वीं तक मुझसे पढ़ा था संस्कृत, समझिए, और बाद में वो बच्चा बराबर मुझसे कहता था कि मैडम मुझे ना आगे के विषयों के लिए अगर संस्कृत जैसा आप जैसा अध्यापक मिलता तो शायद क्या बात ही क्या होती। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चों पे कुछ पढ़ाने के तरीके में फ़र्क पड़ता है। तो मंजरी जी के व्यक्तित्व के दूसरे पहलू की तरफ चला जाए तो लेखन में कविता ने आपको खींचा, अन्य निबंध और रिपोर्ट्स इत्यादि के माध्यम से भी आप पाठकों से जुड़ती हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरी लिखने की ओर जो मेरी रुचि है वो पत्रकारिता से हुई। मैं सबसे पहले मेरे पतिदेव के ही कारण उनके परिचित थे, यहाँ बहुत बड़े बनारस में जो है वो पत्रकार थे और बहुत उनका पेपर न्यूज़पेपर चलता था, तो उन्होंने अपने पेपर में मुझे पहले डिस्पैच में रखा। 1 महीने के बाद कहने ये लड़की डिस्पैच की नहीं है, इसे जो है एडिटिंग में डालना है इसे,
तो ये एडिटिंग में जाए। उसमें मैं गई तो मैंने वहाँ से प्रूफ रीडिंग और सब कुछ, जो संपादक जी थे बड़े अच्छे थे, उन्होंने कहा देखो एक पत्रकार को ये सब भी आना चाहिए, तो मैंने वहाँ से प्रूफ रीडिंग ये सब भी सीख लिया। वहाँ से मैंने रिपोर्टिंग सीख ली, मैं क्राइम रिपोर्टर थी उस समय। जी मैं संस्कृत और क्राइम रिपोर्टर। जी मैं क्राइम रिपोर्टर थी, और वो वक्त ऐसा रहा कि आज की तरह बहुत सारी महिलाएं नहीं थी, और मुझे लगता है कि शायद अगर मैं उस फील्ड में कंटिन्यू कर गई होती तो आज मैं बहुत बड़ी पत्रकार होती, लेकिन ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं था। मैं थाने जाती थी, रिपोर्टिंग करती थी सारी, कई एकाध पुलिस लाइन जो है वो लाइन हाजिर हो गए पुलिस वाले, ऐसा ऐसा सब हुआ। बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्टिंग, लोग कहते भी थे कि एक दिन आप ही का काउंटर हो जाएगा जो इस तरह से आप लिख कर रही हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ऊपर वाले को जो मंजूर होगा होगा। तो लिखने की शुरुआत वहाँ से हुई। वो जो बड़े पत्रकार जो थे हमारे काशी के, जिनका पेपर था, रामनारायण दादा, अब नहीं रहे, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था जब मैं एडिटोरियल में लिया, उन्होंने तो मुझसे उन्होंने कहा कि मंजरी जो भी लिखोगी मैं पेपर में छापूंगा। तो ये छूट उन्होंने वहाँ से दी, शायद उन्होंने कुछ पहचान ही लिया था। तो मैंने पहला आर्टिकल वहाँ लिखा था, प्रदेश में महिला विश्वविद्यालय की आवश्यकता, इसलिए कि महिलाओं की ओर मेरा जीवन जैसा था तो मैं महिलाओं की ओर ज़्यादा आकर्षित थी, उनको देखने उनको समझने में। तो प्रदेश में महिला विश्वविद्यालय की आवश्यकता मुझे अच्छी तरह याद है कि पहला आर्टिकल लिखा, और उसके बाद तो कंटिन्यू जो है कविताएं उसमें छपने लग गई। यहाँ का लीडिंग पेपर उन दिनों आज था, स्वतंत्र भारत आ गया था, उन सब में लिखने लगी, पत्रिकाओं में लिखने लगी। तो वो लेखन की शुरुआत कह लूँ कि वहाँ से, लेकिन फिर रोज़ी रोटी में चली गई। जब केंद्रीय विद्यालय की मेरी नौकरी 93 में मिली, तो केंद्रीय विद्यालय की नौकरी बहुत ही हैक्टिक कह लूँ, क्योंकि इतना सारा वर्क होता है कि बहुत कम समय मिल पाता है। लेकिन उन दिनों और उस दिनों मैं पाली से आचार्य भी कर रही थी बाद में, तो वो भी मैंने किया, और उन दिनों भी कुछ कुछ लिखती रही। तो हमारे और भी अन्य गुरु जी लिखते, उन लोगों ने मुझे आकाशवाणी दूरदर्शन सबसे, तो वहाँ से फिर मैं वार्ताएँ और ये सब देने लग गई। फिर मैं वहाँ से चासोर के चंडीगढ़ चली गई, ये सब कंटिन्यू रहा। तो बीच बीच में जो शायद मेरे अपने दर्द थे कह लूँ, मैं उनको भी लिखती थी अपनी, एक ऐसी उसको क्या होगा नहीं मालूम था, लेकिन शायद लगता था मैंने लिख लिया तो किसी से कह दिया, बस वो लिख लेती थी। और तो अभी आपका जी प्रवाल शीर्षक से, प्रवाल से अभी निबंध आया है। जी जी अच्छी बात, अभी रिसेंटली आया है, उस पर चर्चा बाकी है मेरी। एक चीज़ और बता दूँ कि मेरे जितने भी ये काव्य संग्रह और ये सब आए, मुझे लगता है कि मैं प्रकृति के बहुत करीब रही हूँ, और प्रकृति से ही मैं अपने सारे शीर्षक अपने सब कुछ चुनती हूँ। पहला मेरा काव्य संग्रह जब आया सफ़ीना, तो सफ़ीना आप समझ सकते हैं कि वो छोटी सी कश्ती है जो किनारे से लगने के लिए वो संघर्ष करती है, वो सफ़ीना थी। सफ़ीना के बाद दूसरा काव्य संग्रह मेरा आता है कच्ची पगडंडियों पर, वहाँ से उठी हूँ, कच्ची पगडंडियों पर चल पड़ी हूँ। कच्ची पगडंडियों के बाद में राजमार्ग नहीं आया अभी, हाँ राजमार्ग नहीं, अभी भी नहीं अब वो समझिए। उसके बाद में फिर एहसास गज़ल और कई रचनाएँ आईं, आने के बाद प्रवाल तक आई हूँ। प्रवाल भी देखिए फिर उसी प्रकृति के गोद में गई, क्योंकि इसमें कुछ साहित्यिक निबंध है, ललित निबंध है, निसंदेह ये शोध निबंध उसमें बहुत है। इसको मैंने इसलिए लिखा था, ये आजकल के जितने जो खासतौर से आजकल के बच्चे हैं पढ़ना कम चाहते हैं, गूगल से ले लिया, कुछ ज़रूरत हो गई कॉपी पेस्ट कर लिया, लेकिन इनके निबंधों को मैंने बड़े परिश्रम से पुस्तकों में देख करके पढ़ करके लिखा है। तो कुछ हमारी अपनी अनुभूति भी है। तो कविता याद है आपको अपनी? हाँ कोई याद है कविता अपनी? हाँ क्यों नहीं याद है जी, एक सुनाए कोई छोटी। एक मुक्तक ही आपको सुना दी थी। नहीं हम थे, मेरा गला इन दिनों खराब है ऐसे। नहीं हम थे तभी रही थी ये दुनिया, न पीछे किसी के मरी थी ये दुनिया, ये दुनिया रहेगी न रह पाएगा, ये दुनिया रहेगी न रह पाएगा, रहेगा वही जो भी कर जाएगा। तो बस इसे इसको ही पाथे बना के मैं चल रही हूँ कि शायद
जो जीवन की याद दिला देता है वैसे कर अब कहाँ जाइएगा। पर रूठने की बात को लेते हुए मनाने की दिशा में जब श्रद्धा के साथ काशी विश्वनाथ बाबा के दरबार में आते हैं आप इतने बरस इस पवित्र स्थान पर रही हैं, इसके विकास की यात्रा, इसके परिवर्तन के दौर को भी आपने देखा है, पर मोटा मोटी क्या भाव स्थान को लेकर आपके मन में है और जो एक रूपांतरण हुआ है कॉरिडोर बनने के साथ में, थोड़ा सा एक और बात जोड़ दूं अपने दर्शकों के साथ, एक सुबह बनारस करके एक संगठन है जो कि विशेष रूप से व्यवस्थित ढंग से आयोजित करता है सुबह की आरती और सायकालीन क्लासिकल कॉन्सर्ट्स अपने 80 घाट के समीप, आप उसकी भी सक्रिय सदस्य हैं। तो जी बताइए, तो काशी विश्वनाथ की बात आपने की बाबा को प्रणाम करती हुई, ये एक संयोग कह लो हमारी पीढ़ी, कम से कम हमने पहले भी देखा, एक पुरातन और नवीन दोनों स्वरूप देखा है, तो इसलिए एक हमारे अंदर दूसरी तरह की अनुभूति भी हो सकती है। और देख हमेशा पर ये तो जग ही परिवर्तनशील है, सो परिवर्तन जो हुआ तो लाजमी है, परिवर्तन तो होना ही था किसी के लिए, लेकिन वो कुछ दृष्टि से अच्छा हो सकता है, किसी के लिए कुछ दृष्टि से नहीं अच्छा हो सकता है। पहले गलियों में जो है गली गली सारी थी गलियाँ, आपने भी शायद देखा होगा, तो गलियों में एक सुकून था। सुकून ये था कि जब वो वहाँ से घाट से नहा के चलते थे और लोग गली में आए, अगर धूप भी हो तो आप समझिए इतनी धूप वहाँ असर नहीं करती थी, गली गली वो चले जाते थे, क्योंकि पहले के लोग पैदल ज़्यादा चलते थे तो वो गली गली जाने में उनको आराम रहता था। अब के लोग पैदल कम चलते हैं, तो अब ये कॉरिडोर बन जाने से वो उनकी सुविधा है, कॉरिडोर बन जाने से सभी चीज़ों की सुविधा हो गई। पहले जब मर्जी जो चला गया, काशी विश्वनाथ जी को जल चढ़ा दिया, लेकिन धीरे धीरे हर जगह हर एक आस्था का धर्म का सभी का क्षेत्र बढ़ा है, तो आप संख्या भी बढ़ी, अयोध्या को देख लीजिए, अभी पिछले दिनों में अयोध्या भी गई थी, एक रेला लगा हुआ है सारे टाइम। तो इसी तरीके से काशी विश्वनाथ में जब से ये कॉरिडोर बन गया तो एक प्राचीन से आधुनिकीकरण इसका हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, और बहुत सारे मुद्दे हैं वो अपनी जगह है। तो ये संगम का एक संक्रमण काल होता है, संक्रमण काल है, ये एक नया संतुलन बिंदु धीरे धीरे जी जी, और जो सबके लिए अलग अलग तरह से प्रकट होता है, और मंजरी जी उस बात को बहुत समीप से देख महसूस रही हैं जी। आपके साथ बातचीत का ये समय एकदम बाबा की कृपा से ही बन गया हो, और इसमें मैं अपने मित्र प्रेम जी को भी याद करा जाऊँ, वो तन्मय मनुष्य मनस्वी है, तो ये वाराणसी की यात्रा और सारनाथ आना और आपके साथ इस मुलाकात का अवसर, और आपके जीवन में परिश्रम भी है, समर्पण भी है, संयम मैं भी आपको बताऊं, हाँ नहीं मैं आपको बताऊं कि मेरे जीवन के उस संघर्ष पर आपके बैंगलोर की ही प्रोफेसर डॉक्टर हिंदु झुनझुनवाला जी ने एक उपन्यास लिखा है मेरी रियल स्टोरी पर जी, जी। जिसका नाम है काव्या, और उस काव्या मैंने मैं ही हूँ, तो पहले उन्होंने काव्या मेरा नाम ही सोचा था, लेकिन मैंने सोचा शायद डिस्क्लोज करने से, क्योंकि बहुत सारी रियल स्टोरीज है उसमें, तो मैं भी ये स्वतंत्रता ले रहा हूँ, लेकिन आप जितना ठीक समझे उतना ही बताएं जितना आप खोलना चाहें, पर मुझे लगा कि कुछ ऐसी बात है जिसने, जैसे आपने कहा कि बहुत उथल पुथल, मैं उसके साइड से निकल गया था, पर जब उपन्यास उसके बारे में रच दिया गया है तो इसका मतलब वो थोड़ा उजागर प्रेरणा के रूप में हो सकती है, तो बताएं क्या संघर्ष का। इंदु जी ने, मेरा संघर्ष ये रहा कि विवाह तो मेरा जैसे मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन उसके बाद मेरे परिवार और ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरे पति जैसा आमतौर पर होता है पीना खाना सब बढ़ गया, धीरे धीरे एकदम ऐसे परिवार हो गए हम लोग के बच्चे एक टाइम खाने के लिए नहीं था, ऐसी स्थिति आ गई थी, तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं तो स्टैंड लेना था, लेकिन आप कह लीजिए कि वो एक, इसीलिए इंदु जी ने कहा आपका जीवन बिल्कुल प्रेरणा है कि एक अकेली महिला दो बच्चों को लेकर के, तब मेरा घर बार कुछ भी नहीं था, फिर आप अलग हो गए। हाँ जी, दो नन्हे नन्हे बच्चे, मैंने कोई डिवोर्स भी नहीं लिया, क्योंकि डिवोर्स लेने के लिए भी तो मेरे पास पैसा नहीं था, मेरी माँ भी ख़त्म हो चुकी थी, माँ का सपोर्ट सबसे पहले होता है व्यक्ति को, मेरे डैडी ज़रूर थे, तो उन्होंने बल्कि कहा कि बेटा चलो घर, लेकिन मेरा स्वाभिमान भी बहुत था, मैंने कहा घर जाके नहीं रहूँगी, क्योंकि मेरी भाभी थी, कल को ताना दे कुछ भी हो, दो छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने कहा नहीं मैं कुछ करूँगी,
तो मैं अच्छी थी, मेरा भाग्य अच्छा था कि मेरे गुरुजी मेरे डैडी लेके गए, मेरे गुरुजी के पास भी लेके गए कि ऐसी स्थिति आ गई है। मेरे गुरुजी ने कहा ये लड़की बहुत अच्छी है। उन्होंने अपनी किताब की प्रूफ रीडिंग से, मैंने वो सीखा था पत्रकारिता में, काम वहाँ आया। मेरे गुरुजी ले गए, उन्होंने कहा कि इस लड़की को प्रूफ रीडिंग का काम दीजिए। तो उन लोगों ने कहा भी कि लड़की और प्रूफ रीडिंग करेगी, उन्होंने कहा मेरी शिष्या है। तो कहें कि गुरुजी आप ही की किताब लगी है, दे दें। तो उन्होंने कहा दे दीजिए। तो मैंने अपनी गुरु की किताब की प्रूफ रीडिंग से वहाँ प्रूफ रीडिंग शुरू की। फिर मेरे पास काम ही काम आने लग गए। फिर मैं घर घर जाके ट्यूशन करती थी। और इस तरीके से तब यहाँ महाबोधि सोसाइटी सारनाथ में ही है। बहुत कृपा हो भगवान बुद्ध के प्रति, मैं शुरू से बचपन से बहुत प्रेरित रही हूँ। तो वहाँ पे मुझे नौकरी मिल गई, वहाँ मुझे आवास मिला, बच्चों की पढ़ाई फ्री मिली। तो एक तरीके से, और फिर भी मैं प्रूफ रीडिंग वगैरह ऊपर से करती थी। वहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट का काम भी उन्होंने दिया। तो हाफ टाइम मैं स्कूल करती थी, हाफ टाइम मैं ऑफिस असिस्टेंट का काम करती थी। तो थोड़ा सा रोजी रोटी चलने लगी। फिर वहीं से केंद्रीय विद्यालय का ये फॉर्म भरा, और पहला कॉल मेरा गुवाहाटी से, असम से था। तो कुछ लोगों ने कहा असम दूर होगा, तो मेरे लेकिन गुरुजी थे, उन्होंने कहा कि नहीं इसको जाने दो, इसकी ज़रूरत है। सो बस गुवाहाटी केंद्रीय विद्यालय में जो मैंने ज्वाइन किया, वहाँ से धीरे धीरे 4 साल वहाँ रही, 7 साल चंडीगढ़ रही। तो उससे क्या है, मेरे बच्चों का एजुकेशन भी एक, मेरे बच्चों की पूरी स्कूलिंग कॉलेज चंडीगढ़ वगैरह से हो गया। तो इस तरीके से एक पटरी पे चली आई, लेकिन संघर्ष तो पूरा रहा। कितने लोग मिले, कैसे मिले, सारी चीज़ें थी। तो वो इंदु जी ने जो उपन्यास लिखा है उसका 3-4 भाषाओं में अनुवाद भी फटाफट 2 ही साल में हो गया, अंग्रेजी में, मराठी में, कन्नड़ में, तेलुगू में। फिल्म भी बन जाएगी कुछ? फिल्म, हाँ, फिल्म वाले भी उनको अप्रोच किए हैं, फिल्म वाले भी अप्रोच किए हैं उसको बनाने के लिए। तो देखिए क्या होता है। तो मंजरी जी ने निश्चलता से, उदारता से, आत्मीयता से, बहुत अंतरंग जो हिस्से हैं जीवन के, उनको इस रूप में हमारे साथ बांटा है कि कहीं वो प्रेरणा का एक स्रोत बन सकते हैं किसी के लिए। और वैसे ऐसी जीवन कथाएं जिनके साथ एक संघर्ष को लेते हुए सफलता की तरफ बढ़ता हुआ कोई नायक नायिका हमको दिखता है, और मंजरी पांडे जी के रूप में भी दिखता है, तो हम नमन करने के साथ साथ मंगल कामना उनके लिए प्रेरित। न तो रात भाए ना दिन ही सुहाए, अनायास राहों में पग लड़खड़ाए, किसी ने न जाना मगर धीरे धीरे, किसी ने न जाना मगर धीरे धीरे, ख्वाबों में ही अब बसर धीरे धीरे, मोहब्बत का ऐसा असर धीरे धीरे, नदी सी समंदर में। हमारे साथ जुड़े इस बातचीत में आपको भी बहुत बहुत आभार आपका शुभ जी, कि आपने मुझे इस लायक समझा, यहाँ आए, मुझसे मिले, बहुत बहुत आपका आभार। ये भी प्रभु की कृपा है, मैं तो सब उसकी कृपा मान के चलती हूँ। तो ये प्रभु की कृपा है, मुझे लगता है संस्कृत की अध्यापिका हैं और सरस्वती माता हैं, तो सरस्वती माता का जो एक श्लोक है, जैसा मुझे याद आ रहा है मंत्र है, श्लोक है, आप बताइएगा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्र व्रता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भयम्।